But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Welcome back in my channel. आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया हुआ है। ये प्लेन वेलवेट जो है ये 2 मीटर है और इसके साथ ही ये इसमें वर्क हुआ है, ये भी वेलवेट फैब्रिक ही है और ये फैब्रिक मैंने 1/2 मीटर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड में रख लिया है टॉप पार्ट के लिए। और विड्थ में ये कपड़ा करीब 10.5 इंच है। इस तरह से मैंने इसे उल्टे साइड से 4 फोल्ड में रख लिया है। अभी देखिए कपड़े को बराबर करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मुझे 14 इंच की रेडी चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा 15 इंच में मार्क करूंगी। इस तरह से यहाँ 15 इंच हमने मार्क कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए हम इसमें 7 इंच मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। मैं इसे 34 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका 1/4 8.5 इंच। और इसमें जो हम मार्जिन लेंगे वो 1.5 से 2 इंच का लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, यहाँ पे 1.5 पे मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल में गोलाई देंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें वेस्ट मार्क करनी है। तो वेस्ट में 28 वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, तो उसका 1/4 होता है 7 इंच। 2 इंच का इसमें भी हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच तक इसे हम सीधा रखते हैं। उसके बाद इस तरह से शेप में मार्क कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम नेक मार्क करेंगे। तो जो नेक की विड्थ है वो 3 इंच मैंने रखी हुई है। 1/2 इंच शोल्डर पर स्लोप मार्क करेंगे इस तरह से। नेक से मार्किंग हमने कर ली है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों के टॉप पार्ट। अभी इसमें से हम एक पार्ट हटा देंगे, जो बैक का पार्ट होगा उसको हम हटा देंगे। ये बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। अब इसमें हमें आलिया कट की मार्किंग करनी है और नेक की भी मार्किंग हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से हम एक मार्क करेंगे 12 इंच पे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से देखिए नेक डीप 6 इंच में मार्क कर रही हूँ। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसमें वी शेप मार्क करेंगे इस तरह से। वी शेप हमने मार्क कर ली। इसके बाद यहाँ से देखिए जो यहाँ पे निशान बनाया है इसको हम क्रॉस में मिला लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है 12 इंच पे, इसे आप 11 इंच भी रख सकते हैं। 11 से 12 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। इस तरह से ये हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। ये इस तरह से आएगा फ्रंट पार्ट में। इसके बाद हम ये बैक का पार्ट है इसकी भी नेक कट कर लेते हैं। तो नेक की विड्थ 3 इंच रखेंगे और नेक डीप भी मैंने 3 इंच मार्क किया है। इस तरह से गोलाई में शेप मार्क करेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया है।
अभी नेक से जो ये कपड़ा निकला है इसको हम रखेंगे नेक की स्ट्रिप निकालने के लिए। और ये प्लेन फैब्रिक है जिसमें हम नीचे की घेर निकालेंगे, तो ये विड्थ में डबल फोल्ड है। और कपड़े की जो विड्थ है वो देखिए यहाँ पे 21 इंच की है, यानी 42 विड्थ का कपड़ा है। अभी टॉप पार्ट की लेंथ ऊपर छोड़ देंगे 14 इंच, और यहाँ से कुर्ती की हम टोटल लेंथ मार्क करेंगे। तो जितनी भी टोटल लेंथ रखते हैं उससे 1.5 से 2 इंच बढ़ा के रखते हैं मार्जिन, तो मैंने टोटल 46 इंच रखा है। और यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो 32 इंच की है। अभी देखिए यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे, अभी सिर्फ हम बैक पार्ट की लेंथ निकाल रहे हैं घेर की। इस तरह से देखिए हमने ये बैक पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। इसके बाद बाकी जो बचा कपड़ा है उसको फिर से मैंने उसी तरह से विड्थ में रख दिया है, लेंथ में जो बैक पार्ट की लेंथ निकाली है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो वो बैक का पार्ट हमने टोटल 32 इंच लिया था लंबाई उसकी, इसे 5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 37 इंच की लेंथ ले ली है फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेंगे और इसमें हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये बॉटम का पार्ट हमने कट कर लिया है। अभी देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट मैंने लिया हुआ है जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था लेंथ में, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। इस तरह से 4 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इस तरह से, और क्रॉस में देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे। बंद वाली साइड से हमें निशान लगाना है इस तरह से। इस तरह से देखिए निशान लगाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट भी हमने कट कर लिया है। ये इस तरह से प्लेट्स हम इसमें डालेंगे, इस तरह से ये आएगी। और इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है और विड्थ इसकी मैंने 9 इंच रखी हुई है। और ये फैब्रिक यहाँ पे हम यूज करेंगे स्लीव्स में। तो इसकी लेंथ देखिए 21 इंच की है। अभी देखिए इसकी लेंथ 21 इंच है, यहाँ पे हम ये कपड़ा अटैच करेंगे। तो टोटल ये 24 की आ रही है, बनने के बाद ये 23 इंच आएगी। अभी यहाँ से हम 3 इंच मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे। यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये फैब्रिक यहाँ पे इस तरह से हम अटैच करेंगे, उसके बाद इसे खोल के रखेंगे और फ्रंट साइड की स्लीव में हम 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो एक साइड से इस तरह से मार्क करने के बाद हम कट कर लेंगे, ये फ्रंट वाला पार्ट होगा। यहाँ पे सेंटर पे एक निशान बना लेंगे और इसके बाद हम नेक के लिए स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से, ये फ्रंट वाला पार्ट है, इस तरह से सेम रखते हुए कपड़े पे मार्क कर लेंगे। बन साइड की तरफ बन साइड रखनी है और स्ट्रिप को कट कर लेंगे हम, 1 से 1.5 इंच की स्ट्रिप कट करेंगे। ये फ्रंट की स्ट्रिप हमने कट कर ली है और ठीक इसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी स्ट्रिप हम कट करेंगे कपड़े को। फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है, बन साइड की तरफ बन साइड बिल्कुल मिला के रखनी है और नेक की शेप इस पे मार्क कर लेनी है और इसके बाद 1 इंच लेते हुए स्ट्रिप को कट कर लेना है। अभी हम इसे टॉप पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से खोल के रख लेंगे सीधी साइड से और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, इस तरह से सीधी वाली साइड स्ट्रिप की नीचे है, और नेक की शेप की सिलाई लगा लेंगे ठीक इसी तरह से। फ्रंट पार्ट में भी
इस तरह से स्ट्रिप को रखना है और इसी शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा ली है, छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे जिससे ये स्ट्रिप बहुत आसानी से और नीटली अंदर की साइड टर्न हो जाए। और कट्स लगाते टाइम ध्यान रखें सिलाई ना कटे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड स्ट्रिप को टर्न करके हम इसमें हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को भी डबल फोल्ड करके स्ट्रिप को अंदर की साइड रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने नेक तैयार कर ली है इस तरह से। अभी हम इसमें बॉटम का पार्ट अटैच करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है, बैक पार्ट को सिंपली हमें प्लेट्स डालते हुए इसमें स्टिच कर लेना है। तो इसमें हम प्लेट्स के लिए बड़े नंबर के सिलाई लगाएंगे। और ये फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ से देखिए हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ दूसरी साइड से भी यहाँ सेंटर तक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने बड़े नंबर के सिलाई लगा ली है। अभी धागे को खींचते हुए इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तरह से यहाँ तक प्लेट्स बना लेनी है सेंटर तक, यहाँ तक देखिए। और ठीक इसी तरह से इसकी जो दूसरी वाली साइड है उधर की भी हम प्लेट्स बनाएंगे। इसीलिए सिलाई जो हमने लगाई है बड़े नंबर की वो दो हिस्सों में लगाई है। यहाँ से भी देखिए खींचते हुए इस तरह से हम प्लेट्स इसकी बना लेंगे। और इसमें टॉप का पार्ट हम इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ सेंटर से हम एक पिन से फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम प्लेट्स लगाएंगे। और बैक वाला पार्ट भी इसी तरह से प्लेट्स बना लेंगे और उसके बाद टॉप पार्ट के साथ हम इसे भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अभी मैंने ये लेस ली हुई है जिसको हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखना है, यहाँ तक सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी देखिए इसी तरह से यहाँ पे रखना है लेस को और यहाँ पे सिलाई लगानी है। उसके बाद देखिए ये वाली जो लेस है वो इधर की साइड यहाँ से मुड़ाते हुए इसे हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लेस इसमें अटैच कर ली है। टॉप पार्ट हमारा तैयार है, अभी हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है, स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स मैंने देखिए इस तरह से ये फैब्रिक जॉइंट्स करते हुए तैयार कर लिया है। और अभी यहाँ से सेंटर मिला के रखेंगे। फ्रंट साइड की जो स्लीव है वो फ्रंट साइड में अटैच करनी है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ भी सेंटर मिला के रखेंगे और स्लीव को इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच कर ली है, इसके बाद हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम पलट के उल्टे वाले साइड से रख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए इसका सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4 मार्क कर लेना है। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का चौथाई हिस्सा मार्क कर लेना है और नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड भी नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्लीव राउंड मार्क करेंगे, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। दूसरी वाली साइड में भी हम यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। और इसके बाद इन्हीं निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे से इसकी घेर को भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।